नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टॉक एनालाइजर चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो होगा जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के फाइनल डिविडेंड के ऊपर। दोस्तों, जेके टायर पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाया है और जो पूरे टायर मार्केट का शेयर है कंपनी का वो लगातार बढ़ाया है, इसीलिए कंपनी का मार्जिन भी लगातार ऊपर जाता रहा है। इसका बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर और इसीलिए कंपनी ने इस बार बहुत ही बढ़िया रिजल्ट के साथ साथ एक 2 रुपये पर शेयर का 100% का डिविडेंड घोषित किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। दोस्तों, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अगर आपको ये सब वीडियोस फ्यूचर में भी इसी चैनल पर चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके डिविडेंड के ऊपर और एक स्टेट के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये डिविडेंड 100% का है और आपको पर शेयर 2 रुपये मिलेगा एज फाइनल डिविडेंड। दोस्तों, अब आते हैं इसके एक स्टेट के ऊपर। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए एक स्टेट रखा है 18 तारीख का, यानी कि आपको ये शेयर 18 तारीख से पहले खरीदना होगा और कंपनी ने अपने ऑफिशियल लेटर में कुछ भी मेंशन नहीं किया है रिकॉर्ड डेट के बारे में। आप चाहें तो NSE के या फिर BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप कब तक होल्ड करिएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कम से कम 5 से लेकर 6 दिन होल्ड करके जाइए। इससे डिविडेंड का पूरा पैसा तो मिलेगा ही आपको, साथ ही साथ हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कैपिटल गेन भी हो जाए। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।